साथियों, आपको ये मैं दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से एक लॉज में छात्रों के साथ बर्बरता हुई है। ये खाली है, ये यहाँ पे कोई छात्र है नहीं, यहाँ पे कोई छात्र नहीं है, और इसके बाद भी यहाँ पे कोई छात्र नहीं है, उसके बाद भी इसमें तोड़फोड़ की गई है। ये तोड़ा गया है, ये देख लीजिए, शीशा तोड़ दिया गया है, ये घर में कोई है नहीं। अब इतनी गुंडागर्दी, ये देखिए टूटे हुए शीशे पड़े हुए हैं, टूटे हुए शीशे हैं, और बगल का कमरा देखिए जहाँ पे छात्र अंदर से पढ़ रहे थे, इसको मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। और यहाँ पे टूटे हुए शीशों को आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ये देखिए, ये टूटे हुए शीशे हैं, इस लॉज में तोड़फोड़ की गई है। ये छोटा बगाड़ा प्रयागराज की कहानी है साथियों। कल जो वीडियो आप लोगों को वायरल हो रहा था, यही वो कूलर है जिसपे पुलिस वाले पीट रहे थे। आप देखिए इसको गंभीरता से, और क्या क्या कानून व्यवस्था है इस देश में, या इस तरीके से गुंडागर्दी चलेगी। और विभिन्न तरीके से जिस तरीके से छात्रों को प्रताड़ित किया गया, ये कमरा ये है, इसमें छात्र थे ही नहीं, और इसको भी तोड़ दिया गया। तो साथियों, मैं एक चीज आपको बताना चाह रहा था कि मेरा अपना जो कहना है उसको आप गंभीरता से समझिएगा। ये पूरी कहानी को आप समझिएगा, और आप देखिए कि इस पूरे प्रकरण में यहाँ जो छात्र रह रहे हैं वो छात्र रेलवे की तैयारी करते ही नहीं है। ये मेडिकल एंट्रेंस वाले हैं, ये सिविल यूपीएससी वाले एग्जाम देने वाले लोग हैं, और ये तमाम अदर एग्जाम्स देने के स्टूडेंट हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर का कोई मतलब है उत्तर प्रदेश में? इस सरकार को ये बताना चाहिए कि जिन लोगों ने अपराध किया है, मैं कहता हूँ उनको सजा मिलनी चाहिए। रेलवे पटरी तोड़ने का अधिकार किसी को नहीं है, लेकिन जो छात्र इसमें इन्वॉल्व नहीं है, संवैधानिक दायरे में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अधिवक्ता हूँ, मैं बहुत साफ शब्दों में बताना चाहता हूँ, इस देश का संविधान ये कहता है कि 10 अपराधी छूट जाए लेकिन एक निरपराधी को सजा नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे निरपराधी छात्रों को पीटा गया है, क्या उत्तर प्रदेश सरकार इसके लिए कुछ कहेगी? दुर्भाग्यपूर्ण है, एसएसपी प्रयागराज एक्शन ले, और ये बघाड़ा है, अगर कहीं अधिवक्ता साथ में खड़े हो गए तो पसीना क्या होगा, इस बात का अंदाजा लगाइए। नहीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूंगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। अब हम आपको दिखाते हैं इसी जगह का वो वीडियो जिसमें पुलिस लाठी चार्ज कर रही है। इस कदर पीटे जा रहे इन पीड़ितों का कसूर सिर्फ इतना है कि वह इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में छात्र के रूप में एक लॉज में रह रहे हैं, क्योंकि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस कदर ये पुलिस वाले इन्होंने कमरों से खींच खींच कर निकाल रहे हैं और लाठियाँ बरसा रहे हैं। लगातार आप देख सकते हैं किस तरह से ये फुटेज दिख रही हैं कि देखिए इस तरह से पुलिस वाले जा रहे हैं और लोगों को खींच खींच कर ला रहे हैं, और किस तरह से खदेड़ खदेड़ कर मार रहे हैं। पुलिसकर्मी जबरन कमरों से बाहर निकल की आवाज़ें लगाते हुए बच्चों को, छात्रों को जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, आप देख सकते हैं किस तरह बंदूक से दरवाजे को एक पुलिसकर्मी पीट रहा है और दूसरा पुलिसकर्मी उस जाल से खिड़की से छात्रों को धमका रहा है, बाहर निकलने की धमकी दे रहा है। और आप ये देख सकते हैं किस तरह से दरवाजे को, छात्रों के दरवाजे को, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के छात्र हैं, एक छात्रों के से इस तरह का सलूक कर रही है उत्तर प्रदेश पुलिस। ये कुछ बघाड़ा साइड के जो एनी बेसेंट एरिया के कुछ लॉज में रहने वाले लड़के एकाएक जो है सड़कों की संख्या में सड़क पर आगे रेलवे ट्रैक पर, और वहाँ पर इन्होंने रेलवे लाइन पर आकर के रेलवे ट्रेन को रोकने का प्रयास किया। जब खैर ट्रेन तो आके स्टेशन पर ही रुकी, वो टाइमली दोनों तरफ से प्रस्थान हो गया है, और उन्हीं लोगों को हम लोग देख रहे हैं वो कौन लोग थे, और उनका बाकायदे वीडियो बना हुआ है, उसी से हम एक एक करके चिन्हित कर रहे हैं जो लोग भी इसमें शामिल थे। अभी हमारा ये सर्च अभियान चलेगा कई दिन तक, और एक एक जगह एक एक लॉज में चलेगा, हम उसको दिखवाएंगे, और जो लोग भी इसमें शामिल थे उनके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये लड़कों के कोई ऐसा 5-7 जो लीडर टाइप थे, जो अभी उनसे पूछताछ भी की जा रही है, उनका कहना है कोई रेलवे की भर्ती की डिमांड को लेकर, रेलवे भर्ती की जो परीक्षा कर रहे हैं काफ़ी दिनों से ग्रुप बी की नहीं हुई है, उसका डिमांड को अभी दिखवा रहे हैं। भगवान के सब किसी को नहीं मारे, कभी मारे काम करते हैं, ये काम नहीं कुछ किया, प्लीज सर ढेला भी नहीं मारे सर, कभी गलती से भी चलाते परेशान मार दीजिए सर हमको। छात्रों पर हुए बर्बरता पूर्वक लाठी चार्ज के विरोध में
सैकड़ों की संख्या में छात्रों ने रेलवे ट्रैक पर तिरंगा ध्वज फहरा के राष्ट्रगान गाया, जिसमें कि कई ट्रेनों को अपने गंतव्य में जाने में देरी हुई। आप साफ तौर पर देख सकते हैं छात्रों में किस कदर रोष व्याप्त है, किस तरह गुस्सा है छात्रों में कि उन्होंने रेलवे ट्रैक पर तिरंगे ध्वज का फहराया और 26 जनवरी पर जो कि गणतंत्र दिवस पर इस तरह से ट्रेन रोककर अपना गुस्सा जाहिर किया है छात्रों ने। इस जलती हुई ट्रेन को देख सकते हैं आप, जिस पर कि उपद्रवी छात्रों के द्वारा आग लगाए जाने का आरोप है। छात्रों ने प्रयागराज में भी ट्रेन रोकने का प्रयास किया था, जिस पर यूपी पुलिस ने कार्यवाही की।